जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आज हम बात करेंगे S-400 के बारे में। भारत के अंदर पहला स्क्वाड्रन जो है वो दिसंबर के आखिर तक तैयार हो जाएगा। अब इसकी बनावट क्या है, क्या भारत के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सब रशियन मॉडल को ले रहे हैं एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जिसके अंदर एक बटालियन के अंदर XYZ बैटरी, बैटरी के अंदर इतने लॉन्चर वगैरह वगैरह वगैरह, और एक बैटरी के अंदर 265 के करीब ट्यूब, इस तरीके की बात हो रही है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी टेक्निकलिटीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज की अंदर जाने की जरूरत है वो ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और भारत के लिए ये क्यों इतना अहम है, क्यों ये बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर क्यों घबराहट हो रही है, क्यों चिंता पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, फौजी हलकों में बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ना कि ये कहाँ डिप्लॉय होगा, क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये एक बटालियन के अंदर बैटरियां होंगी या स्क्वाड्रन के अंदर कुछ फ्लाइट्स होंगी, या क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। हमें इस चीज में जाने की आवश्यकता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए जब तक इसकी क्लैरिटी हमको एयरफोर्स की तरफ से ना मिले। जैसा कि मैंने कहा, ये जो वेपन सिस्टम है ये एयरफोर्स के अंदर होगा और एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर डिफेंस की, और ये वही कार्रवाई करेगा, और ये एयर डिफेंस एक स्ट्रेटेजिक लेवल का एयर डिफेंस है। अभी तक हमारे पास जो एयर डिफेंस की मिसाइल्स हैं और जो गन्स हैं ये बहुत ही टेक्टिकल लेवल के लिए, यानी कि हमारे कहीं टैंक के कॉलम एडवांस कर रहे हैं उनको एयर प्रोटेक्शन देने के लिए, या कोई हमारी ऑयल रिफाइनरी है, या कोई ऑयल डंप है, या कोई खास रेलवे स्टेशन या एयरफील्ड है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास एयर डिफेंस की यूनिट्स हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजिक लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम की, और इस एयर डिफेंस सिस्टम से आप ड्रोन से लेकर और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को काउंटर कर सकते हैं। जी हां, आप एक ड्रोन से लेकर और बैलिस्टिक मिसाइल की जब बैलिस्टिक मिसाइल की जब री एंट्री व्हीकल पेलोड के साथ एटमॉस्फेयर में घुस के और आपके इलाके के ऊपर टारगेट के लिए आगे बढ़ती है, दैट इज अ टाइम आप इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको तबाह कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मिसाइल शील्ड है। अब इसके मायने क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास आज की तारीख में बड़ी जो थ्रेट है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो हमें आती है चाइना से, और चाइना के साथ इस समय जब हम ये मैं ये बात कर रहा हूं, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक कॉन्फ्रंटेशन मोड में है। सेनाएं आमने सामने हैं, तनातनी कम जरूर हुई है लेकिन तनातनी हटी नहीं है, तनातनी बिल्कुल बरकरार है, चीनी भी कायम है और हम भी अपने जगह पर कायम है। दूसरी सर्दियों में हमारे फौजी चीनियों का मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू बहुत अहम हो जाती है। अब वो क्यों हो जाती है ये समझना भी जरूरी है। वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो वो टेक्टिकल लेवल पर नहीं होगा, यानी कि फौजें जो आमने सामने बैठी हैं ये आपस में लड़के और फैसला नहीं करेंगी जैसा पहले हुआ था किसी जमाने में या होता रहा है, क्योंकि वहां पर लड़ाई लड़ने का मतलब है बहुत भारी तबाही करा लेनी, और तबाही किसने करा लेनी, जो अटैकर है। भारत तो वैसे भी डिफेंसिव मेंटालिटी और स्ट्रेटेजी रखता है, हम किसी के ऊपर हमला तो करते नहीं जब तक कोई हमको परेशान ना करे। तो चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो चाइना कहां पर प्ले करेगा हमारे हमारे ऊपर, चाइना हमारे ऊपर प्ले करेगा स्ट्रेटेजिक लेवल पर, और किस लेवल की स्ट्रेटेजिक लेवल पर, वो उस लेवल के स्ट्रेटेजिक बैंड के अंदर हमारे साथ गेम खेलेगा या आ, आ, हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा जो कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे हो। अब ये लड़ाई लड़ने के लिए टारगेट्स क्या क्या होंगे? अब चाइना के लिए टारगेट्स होंगे ले का एयरफील्ड, ले का पेट्रोल एमिनिशन डंप, आपके
जो रोहतांग पास है, अटल टनल, आपका जो जिला, आपके जो एयर बेसिस है, चाहे वो पठानकोट का हो, जम्मू का हो, आदमपुर का हो, ये वाले एयर बेसिस जहां से आपकी एयर सपोर्ट जो है ले तक इफेक्टिव हो सकती है। तो इन टारगेट्स को मोटा मोटी, और भी टारगेट्स हो सकते हैं, इनको मोटा मोटी टारगेट करेंगे। अब इनको टारगेट कैसे करेंगे? वो जमाने गए जब जहाज आया करते थे और टारगेट के ऊपर बम गिरा के और चले जाया करते थे। अब वो ऐसे नहीं होता है। हमने बालाकोट में भी देखा, हमने स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया और कई किलोमीटर पीछे उन बॉम्ब्स को रिलीज किया। बॉम्ब्स अपने ग्लाइड मैकेनिज्म के साथ ग्लाइड करके और टारगेट को ढूंढ कर और टारगेट के ऊपर हमला करते हैं। तो यही तरीका रहेगा। अब आपने आदमपुर पे हमला करना है, अमृतसर हलवारा पे हमला करना है, या हिंडन पे हमला करना है, तो आप ये स्पाइस बॉम्ब टाइप बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्रूज मिसाइल्स फायर करेंगे, ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, जो कि आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निस्तेनाबूद कर देगा। अब उनके खिलाफ आपको रक्षा चाहिए, आपको डिफेंस चाहिए, और वो डिफेंस आपको प्रोवाइड करेगा S-400, यानी कि जो एडवांटेज चीन को अभी तक था, वो 1 जनवरी 2022 से वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा। और इंडिया जो है इस मामले के अंदर भी बिल्कुल स्ट्रांग निकल के आएगा और अभेद्य हमारे जो है एयर डिफेंस हो जाएंगे। जैसा कि समाचार पत्रों में बताया जा रहा है कि पंजाब में कहीं डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिससे दोनों तरफ को देखा जाएगा। जी हां, S-400 का जो रडार है, रडार जो है 600 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। यानी कि अगर पंजाब में ये रडार लगा हुआ है तो तिब्बत के अंदर काफी दूर तक देख सकता है, आपका जिंगजियांग के होतन एयरबेस तक देख सकता है, उधर पाकिस्तान में पिशावर में अगर जहाज उड़ेगा तो उड़ते के साथ ही उसको रडार पे पकड़ सकता है। और जब वो 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन होगा, जब वो अपने क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करेगा, तो उन क्रूज मिसाइल्स को वो यहां से बैठकर टारगेट कर सकता है। तो अभी जो डिप्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर के हिसाब से जो हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है, जो दोनों तरफ को बराबर देखता है। अब असल में कहां हो रहा है ये हमको नहीं मालूम और हमें मालूम भी नहीं करना है। तो इसीलिए S-400 हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन इतनी चर्चा शायद चीन में ना हुई होगी जितनी पाकिस्तान में हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसका मायने और भी डिफरेंट हो जाते हैं। वो डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर और भारत को ब्लैकमेल करता रहा, वो ब्लैकमेल का जो ब्लफ था वो पुलवामा के हमले के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एक गुंजाइश थी, क्योंकि पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट के ऊपर जो हमला किया हमने एयरफोर्स से मिराज 2000 स्पाइस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके, उसके बाद पाकिस्तान ने नौशेरा और रजौरी के सेक्टर में तकरीबन, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 के करीब जहाज लॉन्च करे और हमारे टारगेट्स के पास बम गिराए। तो ये एक विंडो थी पाकिस्तान के पास रिटेलिएट करने की, लेकिन S-400 के आने के बाद में ये विंडो भी समाप्त हो जाती है। क्यों, कैसे? S-400 अब जैसे फर्ज करो कि ये 24 जहाजों का हमला दोबारा से अगर ऐसे होना हो, तो वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन सारे 24 लड़ाके जहाजों को कंट्रोल करेगा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो भी पाकिस्तान के पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वहां से इन सब को ट्रैक किया जाएगा, इनको गाइड किया जाएगा और उस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन S-400 के आने के बाद में जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो खुद ही टारगेट हो जाएंगे और बहुत दूर से हो जाएंगे। तो यानी कि जो नेटवर्क सेंट्रिक जो तरीका है एयरफोर्स के लड़ने का, वो बिखर जाएगा और फिर आप उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए दुविधा ये है कि अब वो आतंकवादी हमले उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और उसके पास गुंजाइश भी बिल्कुल जो है कम और यानी कि ना के बराबर हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि पेशावर एयरफील्ड से भी अगर कोई जहाज उड़ता है तो उसकी जानकारी हमको तुरंत मिलेगी, हमारी स्क्रीन्स पे होगी, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार्स, हमारे ग्राउंड बेस्ड रडार्स,
और हमारा जो S-400 का जो ट्रैकर रडार है, ये सारे के सारे नेटवर्क्ड होंगे, और सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो एयरबोर्न होंगे टारगेट्स को टारगेट करने के लिए, वो भी नेटवर्क होंगे, और साथ के साथ S-400 की मिसाइल्स भी नेटवर्क होंगी। 5 किस्म की मिसाइल्स, 400 से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज की ये मिसाइल्स हैं इसके अंदर, और ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग किस्म की थ्रेट को टारगेट करने के लिए ये असला है। तो ये जब पूरी की पूरी 5 यूनिट्स आ जाएंगी, चाहे उनको स्क्वाड्रन बोल लीजिए, बटालियन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जब ये 5 आ जाएंगी और ये पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट को कवर कर लेंगी, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक लेवल का खतरा है वो तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सो दैट इज द लेवल। उस अगर इस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दुश्मन को पनिश करने के लिए। जहां तक चाइना का सवाल है, वहां पर पैरिटी है, चाइना के पास भी उसी किस्म के सिस्टम्स हैं, हमारे पास भी उस किस्म के सिस्टम है, वहां पर पैरिटी है, वहां पे आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, चाइना भी नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी भी हालत में दहशतगर्दी करके और न्यूक्लियर बम की परछाई के पीछे छुप नहीं पाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ में उसके बाद में मनमानी कर पाएंगे, बालाकोट से भी ज्यादा सीरियस हानि आप पाकिस्तान के ऊपर पहुंचा पाएंगे। तो ये है S-400 का करिश्मा जो हमको आने वाले वक्त में, आने वाले समय में दिखेगा। और एक और बात मैं कह दूं कि S-400 5.2 बिलियन का सिस्टम है। इसको भेदने के लिए आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार करनी पड़ेंगी, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब है कि अरबों खरबों रुपए का खर्चा। जरूरी नहीं कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ लड़ाई लड़ें, युद्ध लड़ें, और युद्ध में अपना पराक्रम दिखा के हम उसे जीत जाएं। शायद हमारा रुपया ही ये पराक्रम दिखा देगा, क्योंकि भारत के इस तैयारी को भेदने के लिए पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि उसके पास नहीं है। और अगर वो कहीं से जुगाड़ करके भी करता है, चाहे कुछ भी कर ले, उसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत भारी प्रेशर पड़ेगा, और पाकिस्तान का घुटने टेकना बिल्कुल लाजमी है। तो ये जो सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तानी थ्रेट्स को बिल्कुल नलिफाई कर देता है, और पाकिस्तान को जो जो हवा में परवाजें भर रहा था वो बिल्कुल जमीन पर लाके खड़ा करके और बैलेंस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आज की बात बस इतनी ही, फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक और नए विचार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।